अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वर्जिनिटी सर्च। आजकल के दौर में बड़ा कॉमन है, बड़ी फेमस सर्जरी है। आज इस पर ये बात करेंगे कि इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो क्या और किस टाइप की सर्जरीज या किस टाइप का ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल है, और क्या ये करवाया जा भी सकता है या नहीं। I am Dr. Rahila Farooq. I am a consultant obstetrician and gynecologist, and I am also working as aesthetic surgeon. आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने जैसे कि बताया कि वो वर्जिनिटी के बारे में है। वर्जिनिटी कंसर्न्स जो है वो क्या है, वर्जिनिटी वर्ड जो है हम वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये वर्जिनिटी बेसिकली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि इट्स अ ब्लीडिंग that occurs at the time of first intercourse, यानी first time intercourse पर जो bleeding होती है उसको virginity का नाम दिया जाता है। जो जाहिर है आपको इसमें से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि वो जो bleeding है वो एक पर्दा है जिसके rupture होने की वजह से वो bleeding होती है। हमारे पास अगर आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे virginity surgery या hymen repair या hymenoplasty या इसी तरह के कुछ दूसरे नामों से, तो बहुत सारे आपको इसके इलाज और बहुत सारे टोटके दस्तियाब होंगे गूगल पे, जिनमें से जो मोस्ट फेमस है वो कुछ पिटकड़ी का इस्तेमाल है, कुछ कैप्सूल्स आजकल अवेलेबल हैं, कुछ हमारे हुक्मा हैं वो कहते हैं कि जो उनके पास कुछ ऐसी मेडिसन्स हैं जो आपकी वर्जिनिटी को रीगेन ऑफ वर्जिनिटी में आपको हेल्प कर सकती हैं, या वो कहते हैं कि जी वजाइना इतनी टाइट हो जाती है कि वो ब्लीड कर जाती है तो इसके लिए वो वर्जिनिटी आपकी वापस आ जाती है। कुछ हमारे यहाँ लोकल जो दाइयाँ या LHVs हैं वो भी कुछ मेडिसन आपको प्रोवाइड करेंगी कि जी ये सब ये वर्जिनिटी का ट्रीटमेंट है, लेकिन ये सब का सब फेक है। वजाइनल टाइटनिंग आपकी वर्जिनिटी के साथ कंसर्नड ही नहीं है। वर्जिनिटी सिर्फ और सिर्फ हाइमन, इंटैक्ट हाइमन के साथ कंसर्न है। हाइमन आपकी इंटैक्ट है, इंटरकोर्स होगा वो ब्रेक होगी तो ब्लीडिंग होगी, सिर्फ इसके अलावा आपका वर्जिनिटी का किसी और स्ट्रक्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वजाइनल लूजनिंग के साथ, ना ही लेबियाज की कोई रिडक्शन या लेबियाज के साइज के साथ, लेबियाज का साइज आपकी वर्जिनिटी के साथ किसी सूरत भी कंसर्न नहीं है, ना ही इसका कोई ताल्लुक है। ऑब्वियसली वो पार्ट है, आपके स्ट्रक्चर हैं, वो सारी चीज़ें आपके पेल्विस का या पेरिनियम का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम सिर्फ वर्जिनिटी पे बात कर रहे हैं तो वर्जिनिटी में सिर्फ और सिर्फ इंटैक्ट हाइमन आती है। इसलिए अगर कोई आपको मुख्तलिफ और चीज़ें बता रहा है, कोई भी वो डॉक्टर हो सकता है, कोई भी कंसर्न बंदा हो सकता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, और वो आपको ये बता रहा है कि जी वजाइनल टाइटनिंग शायद कुछ इसमें कंसर्न है या लेबियोप्लास्टी या लेबियल रिडक्शन इसके साथ कंसर्न है, तो ये फेक है सारी चीज़ें। जो हमारे पास अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें आपको शायद जब आप गूगल करेंगे तो लेज़र भी आएगा। कुछ मरीज मुझसे पूछते हैं कि जी लेज़र के थ्रू हमें इसको रिपेयर करते हैं। लेज़र आपकी कभी भी हाइमन को रिपेयर नहीं कर सकती, सबसे पहले ये बात समझने की। लेज़र टाइटनिंग कर सकती है आपके एरिया जो आपका बाहर लेबियाज हैं उनके ऊपर कुछ काम कर सकती है, उनकी कुछ शेप चेंज ला सकती है, लेकिन ये आपके हाइमन को किसी भी सूरत रिपेयर नहीं कर सकते। रिपेयर किस सूरत कॉमन पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के थ्रू पॉसिबल है। यानी इस पे आपको मजीद कोई भी ये समझने के लिए कि हम हाइमन के लिए आपको जो नए नए तरीके बताए जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बता भी रहे होते हैं कि जी अब ये इस्तेमाल करेंगे तो बस हाइमन इससे बन जाएगी, और कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद एक दफ़ा वो ब्रेक हो गई किसी भी वजह से, मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का कोई फिजिकल रिलेशनशिप है, शायद उसी की वजह से हाइमन ब्रेक हुई हो। हमारी जो नेचुरल हाइमन है 1-2% पेशेंट्स में वो भी इस तरह की शेप की होती है कि जब इंटरकोर्स हो तो ब्लीड नहीं करती। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो सकता है, जो हमारी स्पोर्ट्स की गर्ल्स हैं वो जिस कुछ इस तरह की स्पोर्ट्स हैं हमारी एरोबिक्स वगैरह, उसमें आपकी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है, लाइक लेग्स की बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग के साथ में, वो ज़ाहिर है उनको कोई बताने वाला नहीं है कि वो किस फॉर्म में, उनको ट्रेनिंग हमारे यहाँ जो करवाने वाले हैं वो भी उनको ज़ाहिर है उस तरह गाइड नहीं करते, तो उसमें ब्रेक हो सकती है। हॉर्स राइडिंग में हो सकती है,
या हमारे जो योगा की कुछ आसन है उनमें बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग है, उसमें पॉसिबिलिटी है। तो हाइमन अगर एक दफ़ा ब्रेक हो गई वो खुद से रिपेयर नहीं हो सकती, उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। उसके एजेस को नज़दीक लाकर उनको जोड़ा जाए, उनको रफ सरफेस प्रोवाइड की जाए डायसेक्शन के थ्रू और वो फिर उनको स्टिच किया जाए, तो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाइमन रिपेयर हो सके। यानी अगर कोई आपसे ये कहता है कि जी इस सर्जरी के अलावा कोई और तरीका है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाइमन रिपेयर का सिर्फ एक तरीका है, सर्जिकल रिपेयर, जिसको हाइमनोब्लास्टी कहते हैं। उसमें हम आपकी जो हाइमन ओरिजिनल नेचुरल हाइमन है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी बड़ी लोगों का एक मिसकंसेप्ट है कि जी शायद कोई आर्टिफिशियल चीज़ लगा देते हैं, कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ है जो ऐड ऑन कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी नेचुरल हाइमन है उसकी एक खासियत समझ लें कि जब वो रप्चर होती है तो उसके कुछ टैग्स रह जाते हैं, हम उन टैग्स को ही बनाते हैं दोबारा से नेचुरल हाइमन, यानी जो बनानी चाह रहे हैं हम, वो उसी की तरह डेलिकेट बनती है, बिल्कुल उन्हीं उसी की तरह की स्ट्रेंथ की होती है, उसी शेप की और उसी कलर की। यानी इट मीन्स कि वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट लाइक नेचुरल हाइमन। उसमें जो सर्जरी के थ्रू हम रिपेयर करते हैं, आपकी म्यूकोजा की लेयर्स को अलग स्टिच किया जाता है, मसल्स की लेयर ली जाती है, उसमें हमारी जो मैक्सिमम एफर्ट है, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो 50-60% कवरेज है कि आप 50-60% एरिया कवर करके बाकी एरिया छोड़ सकते हैं। बट हम जब सर्जरी करते हैं तो क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है प्राइवेसी इश्यूज हैं और बहुत सारे कुछ टैबूज हैं, तो जाहिर है मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वो इसको डिस्कस नहीं कर पाती घर में या बता नहीं पाती, तो जाहिर है उन्हें वो हाइड भी करना है और उसको लेके चलना है उस सारी सर्जरी को भी। तो हमारी कोशिश है कि हम उसमें मोर देन 90% एरिया वो कवरेज दें, ताकि अगर कोई स्टिच निकल भी जाता है तो आपका सर्जरी का फेलियर ना हो, मिनिमम फेलियर रिस्क हो सर्जरी का। अगर आप प्रॉपरली इसकी केयर करते हैं, उसमें आप में कुछ स्ट्रेचेस हैं जैसे कि स्ट्रेच वाली हर तरह की एक्टिविटीज, स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करना है, लाइक एक्सरसाइजेज हैं, जिम है, वॉक आपकी कोई ब्रिस्क वॉक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आप करते हैं, आपका स्टेयर्स की जो मूवमेंट्स हैं रूटीन वाइज आप अपने सारे काम कर सकते हैं, जो रूटीन अपनी कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। लॉन्ग टाइम की ट्रैवलिंग थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेगी आपको। जो हीलिंग टाइम है इसका सर्जरी का, क्योंकि इसमें अब्जॉर्बेबल स्टिचेस लगते हैं, आपको खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ मरीज़ हमने ऐसे भी देखे जिसमें वो हमारे कुछ डॉक्टर्स ने नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाए हुए थे, तो इसमें अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगते हैं। ज़ाहिर है नॉन एब्जॉर्बेबल के साथ जब आप उनको खोलेंगे तो सारा एरिया दोबारा से रप्चर हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगते हैं, उनको खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। जो हीलिंग टाइम है वो 4-6 हफ्तों का है, उसमें आपने केयर को प्रॉपर फॉलो करना है। और अगर आप ये सारा कुछ इसी तरीके से जैसे आपको बताया जाता है उसको फॉलो करते हैं, तो मोर देन 90% चांस है कि हम एक प्रॉपर हील्ड हाइमन एट द एंड ऑफ 6 वीक्स अचीव कर लेते हैं। और वंस के जब हाइमन आपकी हील हो गई, वो नई हाइमन बन गई, वो खुद से अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। यानी अगर आपको किसी ने ये गाइड किया है कि आप सिर्फ इसको कुछ 6 माह 5 माह 1 माह इससे पहले कराएंगे अदरवाइज़ ये सारी नुकसान दें, तो ये भी बिल्कुल फेक है। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी नेचुरल हाइमन कहीं नहीं जाती, तरह से ये भी कही नहीं जाती। हाँ, देर आर चांसेस ऑफ ट्रॉमा, वो जाहिर है रिस्क फैक्टर्स हैं, वो हो सकते हैं, वो तो किसी भी नेचुरल हाइमन के लिए भी हैं, तो इसके लिए भी वैसे ही रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जाहिर है जो सूटेबल है कि बेस्ट टाइम जिसको हम कहना चाहिए, तो वो ये है कि आप 3-4 ईयर्स बिफोर एटलीस्ट ज़रूर इसको अपना रिपेयर करवा लीजिए। और इसमें अगर आप प्रॉपरली करते हैं तो वो जो नेचुरल आपकी हाइमन बनती है वो 100% ब्लीड भी करती है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक रूल है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है ज़ाहिर है वो अपनी ब्लड सप्लाई मेंटेन करेगा तभी वो बनेगा। और ब्लड सप्लाई जब भी कभी वहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट होगी, रप्चर होगी, तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वहाँ से वो एरिया ब्लीड करेगा। तो इट मींस कि अगर ये आप वर्जिनिटी सर्जरी कराते हैं, जो लोग इसमें इसको इस वीडियो को बनाने का मकसद एक और ये भी है कि हमारे यहाँ कुछ मैल प्रैक्टिसिंग ज़ाहिर है हर जैसे कि फील्ड में हो रही हैं, उसमें भी इसमें भी हैं,